इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस वेरिएशन ऑन टोर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी नो टॉर्क इक्वेसन टाउ डी इज इक्वल टू के एस ई टू नॉट स्क्वायर एन टू आर टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम टोर्क इज इक्वल टू के ई टू नॉट स्क्वायेयर बाई टू एक्स टू नॉट मैक्सिमम टॉर्क का जो इक्वेशन है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है एंड रेजिस्टेंस से इनडिपेंडेंट रहता है मतलब जब आर ई e के वैल्यू को हम लोग भैरी करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा एंड मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन तब मिलता है जब आर टू इज़ इक्वल टू एस एक्स टू नोट होता है और एस इज़ इक्वल टू आर टू बाई एक्स टू नोट यहाँ पर एक्स टू नोट जो है वो कॉन्स्टेंट होता है एंड आर टू के वैल्यू को हम लोग भैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अब इक्वेशन वेन आर टू इंक्रीजेज इंक्रीजेज क्योंकि एक्स टू नॉट कॉन्स्टेंट रहता है एंड एट आर टू इज इक्वल टू एक्स टू नॉट एस इज इक्वल टू वन यहाँ पे स्लिप वन हो जाएगा जो कि स्टार्टिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा वेन रोडर रेजिटेंस इंक्रीजेज रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट्स पोजिशन शिफ्टेड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग टोर्को कर् के हल्क से हम लोग समझते हैं यहाँ पर टोर्क एंड स्पीड एक्सिस है उसके बीच ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है इसमें तीन रेजिस्टेंस को दिखाया है मैंने आर वन ए आर वन बी एंड आर वन सी जब रोटर रेजिस्टेंस आर वन ए होता है तो कर्व इस तरह बनेगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें टोर्क मिलता है एंड यहाँ पर आर वन ए का मैक्सिमम टोर्क मिलता है एंड आर वन बी जो है वो मिडिल वाला कर्व है उसमें जब रेजिस्टेंस को इनक्रीज़ करते हैं तो उसका मैक्सिमम टोर का वैल्यू सेम होता है पर उसका जो पोजीशन है वो शिफ्ट होता है एंड आर वन सी में जब रेजिस्टेंस को फिर से इंक्रीज़ करते हैं तो मैक्सिमम टोर का जो वैल्यू है वो फिर से सेम रहता है पर उसका पोजीशन शिफ्ट होता है मतलब यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है तीनों ही ग्राफ में टोर का वैल्यू सेम रह रहा है पर उसका जो पोजिशन है वो स्टार्टिंग टोर की ओर शिफ्ट हो रहा है हियर आर वन सी इज़ ग्रेटर देन आर वन बी एंड आर वन बी इज ग्रेटर दैन आर वन ए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो ओनली स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में अप्लाई होता है स्क्वायरल केज़ रोटर में ये टर्म्स अप्लाई नहीं होता है रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके इस्टार्टिंग टोर को इनक्रीज कर सकते हैं एंड अस्टार्टिंग करेंट को डिक्रीज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो स्टार्टिंग करेंट है वो डिक्रीज होगी इस तरह से स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टोल को हाई कर सकते हैं एंड हैवी लोड को ऑपरेट कराने के लिए इसका यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस वेर एन एस इज स्पीड एंड एन आर इज द रोटर स्पीड एंड स्लीप स्पीड इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर जो स्लीप है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस वो एक टाइप का पर यूनिट क्वांटिटी होता है अगर परसेंट स्लिप की बात करें तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इन टू हंड्रेड उसमें हम लोग हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर जो एन आर है वो आर पी एम में होता है दैट इज रिवोल्यूसन पर मिनट एंड अगर स्लिप की वैल्यू आर पी एस में लिखना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एन को स्मॉल लिखेंगे मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड में डिनोट करने के लिए फॉर राइटिंग ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस पर यूनिट सो स्लिप का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है यहाँ पर स्लिप एंड टोर्क है इस पॉइंट पर जब स्लिप जीरो है तो टोर्क का वैल्यू भी जीरो है एंड अगर कोई मोशन होगा तो तीनों स्लिप का लीनियरली मोशन होगा एंड इन मीडियम रीजन हाइपरबोलिक बिहेवियर होगा मतलब ऑल ग्राफ जो है वो टर्न हो जाएगा इसके बाद उसका वैल्यू लो हो जाएगा एंड ग्राफ डाउन होगा अकॉर्डिंग टू हाइपरबोलिक बिहेवियर एंड जब स्लिप का वैल्यू वन होगा ऑल स्लिप में टॉर्क का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर तीनों केस में आर टू सी इज ग्रेटर देन आर टू बी इज़ ग्रेटर देन आर टू ए मतलब यहाँ पे जो आर टू ए है वो सबसे बड़ा है इसे यह पता चलता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई रखने के लिए रेजिस्टेंस हाई रखना होता है एंड आल्सो इन ग्राफ तीनों ग्राफ में मैक्सिमम टॉर्क कब हो रहा है जब आर टू इज इक्वल टू एक्स टू ज़ीरो हो रहा है तो तीनों का स्टार्टिंग टॉर्क इस तरह होगा एंड तीनों ग्राफ जो है वो अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम टॉर्क को अचीव कर रहा है यहाँ पर स्टेटर एंड रोटर है स्टेटर में जब हम लोग थ्री फेज ऐसी सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज वाइंडिंग एंड एसी करंट के कारण स्टेटर एंड रोटर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है जिसकी इक्वेशन होती है एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ए बाई पी एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर बार्स को लिंक करता है तो वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर फील्ड दोनों के इंट्रैक्शन के कारण रोटर के ऊपर टोर्क लगता है एंड रोटर रोटेट करने लगता है रोटर स्पीड को एनआर एन आर से डिनोट करते हैं सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें एनआर एन आर एन एस से कम होती है मतलब रोटर का जो स्पीड है वो ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है क्योंकि अगर एनएस एन एस टू एन आर हो जाएगा तो रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर बार्स को कट नहीं कर पाएगा इसलिए जो रोटर का स्पीड है वो ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रहना चाहिए इन द केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एडी करेंट लॉस एक्चुअली में होता क्या है उसका बेसिक हम लोग देखते हैं तो जब कभी भी ए सी करेंट इसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर में सेल्फ ई एम एफ इंड्यूस होता है एंड उस ई एम एफ के कारण उसमें एक करेंट सर्कुलेट करती है जिसको एडी करेंट बोलते हैं जब सर्किट में उस करेंट की कोई यूजफुल वर्क नहीं होती है तो जो एडी करेंट है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है और कन्वर्ट होती है जिसको हम लोग एज अ लॉस कंसिडर करते हैं एडी करेंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए रोटर एंड स्टेटर कोर में लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं एडी करेंट लॉस को पी ई e से डिनोट करते हैं एंड पी ई इज़ इक्वल टू के ई बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी वेयर पी इज द एडीकरेंट लोस बी एम इज द मैक्सम फ्लक्स डेंसिटी एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टी इज़ द थनेस ऑफ लेमिनेसन भी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड के इज द एडीकरेंट कॉन्स्टेंट तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें